एक बार सुनो मेरी बात। दादा कहाँ जाओगे? बिचपुरी जाना है। बैठो, हाथ दे रहे आप? ना मैं हाथ नहीं दे रहा था। जाओगे बिचपुरी? हाँ। चलो तो बैठो फिर। मैं नहीं पता ना यार, हाथ कैसा लगो होगा तुम, मुझे आप हाथ दे रहे हो यार। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो बताया जा रहा हूँ। तुम कहाँ से हो, कहाँ के हो? सुथरिया गाँव। सुथरिया कहाँ पड़ता है? ये बिचपुरी के पास पैंट लगती है। अच्छा, मैं भी पता नहीं कौन है यार। मैं समझ गया, हाथ दे रहे हैं। गेट लाइन लगा भाई साहब, इधर आवाज आ रही है। रुको मैं लगाऊं। लगा मैंने यार पता नहीं, चलो छोड़ देंगे। मैंने कोई जा रहा हो तो आप बेल्ट लगा लो। सुथरिया नहीं पता, सुथरिया कहाँ पड़ता है? ये बिचपुरी के पास ही पड़ता है क्या? हाँ। अच्छा, तो यहाँ क्या कुछ काम करते हो क्या? दुकान है। काई की? परचून की। अरे ये परचून की दुकान करते हो आप? सही है भैया, मैं खाना देने आया था। पापा? अरे पापा करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा लगा था मुझे हाथ देने में। चलो यार लिफ्ट मांग रहा बंदा, दे देते हैं। आप राय कौन सी जगह पे रहते हैं? मैं राय रहता नहीं हूँ, मैं वैसे तो बेसिकली मथुरा का हूँ। टाउनशिप सुना है? हाँ, टाउनशिप अच्छे से सुना है। जा तो वैसे मथुरा ही रहा हूँ मैं। थोड़ा एक मन में लगता है ना, क्योंकि बंदा चलो खड़ा है तो दे दो लिफ्ट यार। ये बहुत से आदमी ऐसे, बहुत से ऐसे नहीं सोचते। बिल्कुल भाई साहब, रुको जरा, सबर करो। आदमी क्या कहते हैं ना, पांच उंगली एक जैसी नहीं होती। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो यार। क्या नाम भाई साहब ऐसे आपका? कुलदीप। कुलदीप सही है, कुलदीप भाई। भाई तो यहाँ पे क्या, यहाँ क्या लगता है वैसे दुकान? यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ तो, मार्केट तो है नहीं यहाँ पे? नहीं बस सही चलती है, शाम के टाइम। शाम के टाइम से चलती है। अच्छा, चलो यार बढ़िया है। मतलब डेली का निकल आता है ये, सही है। खर्चा पानी निकल आता है। बस खर्चा पानी निकल जाए भाई साहब। तो देखो हम यार गाड़ी लेके घूम रहे हैं भाई साहब, कम से 2000 रुपये पेट्रोल पीगी सुबह से। खर्चा गुना नहीं करो हमारा, तो तुम्हारा तो खर्चा वैसे ही बढ़िया निकल जाता है यार। हमारे ऐसे गाड़ी वाले की बड़ी परेशानी है यार। देखो कोई भाड़ा मिल जाए तो ठीक है, मतलब किराए पे चलाता हूँ मैं, भाड़े पे यार। अपने पास है भैया, इतना बजट ना है जो गाड़ी वाड़ी ले सके हम। हाँ जल्दी भाई, भाई बजट नहीं है भाई इतने पास। क्योंकि भाई कम से कम आती होगी 7-8 लाख, 8 लाख की तो कम से कम मुझे लगता आती होगी गाड़ी। आराम से 7-8 लाख आ जाती होगी ना। 5.5 की तो इको आ रही है इस टाइम। अच्छा, 5.5 की इको? इको अच्छा, इको आ रही है। हर किसी को बैठाते नहीं है ज्यादा हम फालतू में यार। नहीं चलो छोड़ देंगे यार। कहाँ चल रही है आंटी देख लो, बीच रोड पर घिर के चल रही है और हाथ और चारों लग चल रहा है। अभी कोई लगा जाएगा कुछ भी तो ये कहेंगे मार गया भाई साहब, गाड़ी वाली गलती है। मानोगे नहीं, अपनी गलती नहीं बताएंगे, अपनी गलती नहीं बताएंगे भाई साहब। भाई साहब भाड़ा छोड़ के आ रहा हूँ मैं हाथरस। अच्छा, हाथरस। हाँ तो भाई साहब देखो, पूरे तेल के पैसे निकल जाए वही बहुत है। बहुत है, मानोगे नहीं। इस टाइम से सीएनजी पेट्रोल है? पेट्रोल बताओ, पूरी 100 गाड़ी। हाँ वही तो, खर्चा भी निकल रहा भाई साहब। ये सब लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ी, अरे गाड़ी है तो इसमें खर्चा नहीं है। भाई साहब बहुत खर्चा होता है, मानोगे नहीं, मानोगे बात। खर्चा होता है भाई। भाई साहब हमारी, जिसने वो काम नहीं किया वो अच्छा है, दूसरे का काम। हमारा पिछवाड़ा भाई साहब पेट्रोल भरवाते भरवाते हमारी हालत खराब हो चुकी है। हमारे पिछवाड़े में कभी कभी आग लग जाती है, कभी कभी इतनी पेट्रोल डरवा लेते हैं, हम क्या करें यार, मजबूरी है भाई, यही बिजनेस है हमारा। अब बताओ सही है नहीं? अब इसमें भी कोई इसका खाना खुराक मत दो तो बिजनेस कैसे चलेगा, आप बताओ सही है नहीं?
कुछ भी अपने वैसी चीज के ऊपर टालो। हाँ वो ही है, साला बिजनेस है, बिजनेस करने बताओ यार क्या है। इससे अच्छा मैं पढ़ लेता, नौकरी कर लेता ना कोई 5,000 रुपए की, वो बढ़िया पड़ता भाई साहब। गाड़ी वाली गाड़ी वास्ते तो भाई साहब नौकरी कर रहे हो कोई ने रही। अरे यार तुम्हारी पता नहीं ठेकेदार कौन सा यार, समझ में नहीं आया तुम्हारे ठेकेदार की यार। हमारी यहाँ पिछवाड़ा फटा जा रहा है, आग लगी जा रही है, पेट्रोल भरवाते भरवाते तुम मजे ले रहे हो, अपने ठेकेदार की बातें कर रहे हो यार, आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात भाई साहब। जैसे अब कभी कभार क्या है कि आज की डेट में कोई भी काम करो अगर 2 पैसे ना बचे तो कोई फायदा नहीं है भाई साहब। ये बात सही है। अब देखो अब मेरा बेसक, वैसे मैं जो 2 नंबर का काम करता हूँ ना वो हेरा फेरी का काम करता हूँ। अब हेरा फेरी आप समझ में नहीं आई होगी। हाँ मैं समझ गए, समझ गया। कैसे बताओ जरा कैसे समझे तुम? इधर से उधर कुछ करना है वैसे 2 नंबर का लूटपाट भी होती है। सही पकड़े हैं आप, समझे भाई साहब तुम बिल्कुल सही समझे, सही पकड़े हो आप। एक्चुअली क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे लोगों को इधर उधर बेचने का काम करता हूँ भाई साहब, मतलब हेरा फेरी वाला काम। यहाँ से एक आदमी को इधर ट्रांसफर किया 50,000 वहां से बचे, और मतलब जैसे किसी भी अंधे को किसी आदमी के कोई पार्ट वार्ट की जरूरत पड़ती है तो वो निकाल सके उस हिसाब से भाई साहब। तो ऐसे ट्रांसफर करते हैं इधर उधर। और आज की डेट में ईमानदारों के बच्चे नहीं पल रहे, बेईमानों के बच्चे पल रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब ये बात कही है आपने, ये बिल्कुल 100 नंबर सत्य कही है आपने। बेईमानी करके खा रहा पी रहा उसका सही और उसको खाने भी नहीं देंगे, और ईमानदार करके खा रहा है उसको साले को खाना तो गया, चैन से खाना भी नहीं मिल रहा। ये बात अब तुम्हारी समझ में बात सही पकड़ गए तुम। आप रिक्वायरमेंट है 2 आदमी की, उधर को देना है, उधर से उधर को ट्रांसफर करना है एक बंदा। अब हमारी जी का जंजाल बन गया भाई साहब। जैसे आप बैठ गए हो अभी, हम अभी आप बात कर लें का उधर डील कर लें तो आपके ऊपर हमें 20,000 रुपए मिल जाएंगे। अब देखो मैं बात करता हूँ अभी, ऐसे मेरे को तो करना मत यार। हेलो चंपक। हाँ चंपक, अरे कहाँ हो यार? भाई साहब को ला रहा हूँ, भाई साहब को ला रहा हूँ भाई साहब। मैं एक मिनट आराम से खोल रहा हूँ, एक मिनट भाई साहब को ला रहा हूँ मैं। ये बैठे, क्या नाम भाई साहब आपका? कुलदीप। कुलदीप भाई साहब बैठे मेरे साथ, एक मिनट सुनो मेरी बात। खोलो तो एक बार मेरी बात सुनो, कुलदीप भाई को ला रहा हूँ मैं। खोल दो हेरा फेरी के लिए। अरे यार भैया भाई मैं तेरे हाथ जोड़ो भाई, तू गेट खोल दे यार। एक मिनट मेरी बात सुन कुलदीप भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ो भाई गेट खोल दे। कुलदीप भाई समझ नहीं रहे हो तुम? ना ना यार, नहीं ना यार, गेट खोल दे भाई यार, गेट खोल दे। समझ नहीं रहे यार आप? नहीं यार गेट खोल, एक बार सुनो मेरी बात दादा। भैया यार गेट खोल दे भाई, तेरे हाथ जोड़ो भाई पंडवेश भाई, भाई मैं मर जाऊंगा भाई। मेरी बात नहीं समझ रहा यार, मेरी बात तो समझो आप। ना यार भाई मेरे गेट खोल दे भाई, मजाक करता हूँ। दो अनजान गाड़ी में बैठते हैं ना यार, भाई मेरे गेट खोल दे भाई यार, मजाक करता हूँ यार। खोलो खोल, हटो गेट, खोलने दो। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, अनजान गाड़ी में जो लोग बैठते हैं उनके साथ मजाक करता हूँ भाई साहब। कुलदीप भाई मजाक कर रहा हूँ, कैमरा लगा रखा है भाई, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ हंसी मजाक वाली। जो अनजान गाड़ी में लोग बैठते हैं ना उनके साथ मजाक करता हूँ। ये देखो मेरा चैनल है भाई साहब, ये यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों के साथ अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे नहीं आपके हाथ जोड़ रहे, आप मजाक कर रहे थे, आप ईमानदारी से मजाक करते हैं, हमारा काम ही यही है भगवान भाई साहब। देखो कुलदीप भाई ईमानदारी से मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको बीच रस्ते में नहीं छोड़ेंगे यार, प्लीज हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपको बिचपुरी छोड़ेंगे यार, हमको पकड़े ले आएंगे बिचपुरी। ये चौकी है, तुम कैसी बातें कर रहे हैं यार मेरे, तुम जा यार मेरी घास क्यों मार रहे यार। देखो ये मेरा चैनल है, देखो ऐसी, देखो ऐसी बनाता हूँ लोगों के साथ वीडियो, मजाक करता हूँ लोगों के साथ ऐसे ही बैठा बैठा के। आ जाओ अब यार, अब बैठ जाओ, बिचपुरी छोड़ देंगे हम आपको यार, हमारी मजाक हो गई भाई साहब आपके साथ। अच्छा ये बोलो अनजान गाड़ी में ना लिफ्ट लें, अनजान गाड़ी में भाई ना लिफ्ट लें। हमने जानबूझ के आपको बुलाया था। हम लोगों को ये सिखाते हैं कि कोई अनजान गाड़ी में जो लोग बैठ जाते हैं ना
तो उनके साथ जो मतलब हादसा वादसा हो जाता है उनके लिए हम लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं जो आज जैसे आप आपने सुन देखा। अब आप चार आदमी को बताओगे भाई साहब अनजान गाड़ी में नहीं बैठना है, इसलिए भाई साहब वीडियो बनाते हैं कुलदीप भाई। हाँ तो दोस्तों भाई से भाई को मैं दे रहा हूँ लिफाफा, आप लोग बोलना मत, फिर वो आप बोलो कमेंट करते हो आप कुछ नहीं देते हो। देखो मैं दे रहा हूँ भाई साहब को, भाई साहब क्या नाम है? कुलदीप भाई। कुलदीप तो बोलो अनजान गाड़ी में ना बैठे, अनजान गाड़ी में ना बैठे भाइयों कभी भूल के। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना V95 को। बिल्कुल भाई साहब ने कह दिया, कुलदीप भाई ने कर लेना भाई साहब तो प्लीज। ठीक है भाई साहब है, ठीक है भाई साहब, भाई साहब हमें याद रखिए और जरूर देखिए वीडियो आपकी। हम ठीक है भाई साहब, कुआ खिलाऊं चलो बस। अच्छा